नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर और बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की बड़ी खबर। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी ने सोशल मीडिया पर आए युवती के संदेशों का बचाव का आधार बनाया है। दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी में युवती ने रोहित पर बलात्कार, जबरन गर्भपात और शादी का वादा पूरा नहीं करने के आरोप लगाए हैं। वहीं याचिका में पूरा मामला हनी ट्रैप का बताया है। प्राथमिकी रद्द करवाने के लिए दायर रोहित की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 25 मई को सुनवाई करेगा। याचिका दायर होने के कारण रोहित के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की चाल धीमी हो गई है। पुलिस सावधानी बरतते हुए याचिका और उसमें बताए तथ्यों के बारे में विधिक परीक्षण करा रही है। पुलिस ने तय किया है कि विधिक राय के बाद ही आगे कदम बढ़ाया जाएगा। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी रोहित की याचिका पर 25 मई को सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अब आपको बता दें दोस्तों, कुछ दिन पहले ही जलदाय मंत्री महेश जोशी का पुत्र रोहित जोशी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक युवती से जबरन दुष्कर्म किया है और उसके हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म किया। और दोस्तों, ये राजस्थान के मंत्री के बेटे हैं। ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये मामले तेजी से उछल रहे हैं और अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। 25 मई को सुनवाई होने वाली है कि दोस्तों आखिर क्या हुआ था इस मंत्री के बेटे और उस लड़की के बीच में। पूरा खुलासा 25 मई को होने वाला है। लड़की ने कई आरोप भी लगा दिए हैं और अब लड़का भी अपनी बातों को दोस्तों सामने रख रहा है। दोनों की बातें सुनी जाएंगी और 25 मई को यह फैसला होगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। लेकिन अभी ये जेल के अंदर हैं और जल्द ही दोस्तों सुनवाई होगी। तो बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों, आपको पल पल की अपडेट मिलेगी। आपसे विनती है कि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट में बताएं।